नमस्ते बच्चों, मेरा नाम एकता अग्रवाल है। आप बहुत सारी वीडियोस पहले भी देख चुके हैं, तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो है कंपोनेंट मेकिंग। हम आज सीखेंगे कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है कि मैम कंपोनेंट कैसे बनाते हैं वो हमें पता नहीं चलता, कब साइन लेते हैं कब कॉस लेते हैं वो हमें नहीं आता है। तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वीडियो है आज का, और इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट कंपोनेंट मेकिंग का अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक कंपोनेंट मेकिंग। तो देखिए, कंपोनेंट मेकिंग की जब हम बात करते हैं तो हम दो कंपोनेंट्स की यहाँ बात करते हैं। पहला फ्रैक्शन हम करते हैं कॉस थीटा में, और दूसरा फ्रैक्शन हम करते हैं साइन थीटा के अंदर। पहला फ्रैक्शन किसमें? कॉस थीटा में, और दूसरा फ्रैक्शन हम करते हैं साइन थीटा में, ठीक है। तो हम जिन फ्रैक्शंस की यहाँ बात कर रहे हैं वो है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हम देखते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा में फ्रैक्शन कैसे करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि आपको जब एक वर्ड बोला जाएगा मैग्नीट्यूड, जिसका मतलब होता है परिमाण। जैसे कि यदि मैं आपका एक एग्जाम्पल के रूप में अगर इसको मैं लूँ, ये तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक से, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये एक्स है, ये वाई कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ से बीच में कोई पार्टिकल है जो एक्स से थीटा एंगल बना रहा है। एक्स से कौन सा एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। तो सबसे पहले नोट करना है कि एंगल कहाँ से बन रहा है, एंगल कहाँ से बन रहा है। यदि मैं इसको पूरी को आर ले रही हूँ तो बताइए एंगल कहाँ से बन रहा है? एक्स डायरेक्शन से। तो इसका जो कॉम्पोनेंट होगा ये वाला, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो होगा आर साइन थीटा, क्लियर। दूसरा हम आपको देखते हैं, ये क्वेश्चन सुन लेते हैं। यदि आपको बोल दिया जाए कि वेलोसिटी है एक पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री का एंगल बना के मूव कर रहा है, एक कोई पार्टिकल है जो एक्स डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी बताइए इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। तो इसकी जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, एक्स डायरेक्शन की थीटा जिसके पास है उसे कॉस लेते हैं, और जो दूसरा इसका कंपोनेंट होता है वो होता है साइन। तो वी एक्स कितना हुआ? वी कॉस थीटा हुआ। वी कितना है? 5 कॉस 30 डिग्री। 5 cos 30 कितना होता है? √3/2 m/s। अब यदि बोल दिया जाए कि y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बताओ, तो v sin थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v है 5 sin 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30? sin 30 इज 1/2, देन वी कैन से 5/2 m/s। नॉर्मली इसको बीच में रखना है, क्या रखना है, ये टोटल जो एंगल बनाना है आपको 90 का बनाना है। दूसरा एग्जांपल यहाँ हम लेते हैं कि इस टाइप से, जैसे कि आपने प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन के अंदर किया था, प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि एक पार्टिकल है जो ऐसे मूव करके ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल हुआ, यहाँ से टेंजेंट की थी, यहाँ से जो टेंजेंट खींची है आपने वो इसकी डायरेक्शन को बताती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को। अब यहाँ फ्रैक्शन करके देखिए, एक तो ऐसे एक्स डायरेक्शन में, एक फ्रैक्शन होगा ऐसे वाई डायरेक्शन में, एंगल बनेगा एक्स से, ठीक है। तो ये हो गया वी एक्स और ये हो गया वी वाई। तो वी एक्स कितना हुआ? वी कॉस थीटा, थीटा इसी के टच में आ रहा है तो वी कॉस थीटा। ये कितना हुआ? वी वाई बराबर वी साइन थीटा, क्लियर। यदि हम यहाँ पर की पार्टिकल है इसकी बात कर रहे हैं, ये देखिए एंगल कहाँ से बन रहा है? एक्स डायरेक्शन से। एंगल कहाँ से बन रहा है? एक्स डायरेक्शन से। तो ये ले लिया अपने थीटा, इस कंडीशन में भी थीटा इसके टच में है तो अभी हो जाएगा वी कॉस थीटा। ये नीचे वाला हुआ वी वाई,
बी साइन थीटा। तो कुल मिला के बात ये है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि एंगल कौन से एक्सिस से बन रहा है। जिस एंगल से एक्सिस बन रहा है या जिस एक्सिस से एंगल बन रहा है उसी को हम कॉस लेंगे, और जहाँ से नहीं बन रहा है दूसरी वाली लाइन साइन होती है। तो ये प्रोजेक्टर क्वेश्चन की बात करी हमने। फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं आपका। सपोज ये कोई रॉड है, इनफाइनाइट रॉड, यहाँ इसका सेंटर है, इससे सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। क्लियर, पॉइंट है पी। अब यहां से देखिए एक ये लाइन जा रही है, ऐसे इसको इफेक्ट दिखाया जा रहा है। एंगल कहां से बन रहा है, यहां से एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको आप कुछ भी मान लो, आर मान लो सपोज आर। अब क्या करें, एंगल यहां से बन रहा है, यहां से थीटा। अब जितना एंगल आपने यहां से बनाया है इसका ये वाला, उतना ही ये बीच पर रहना चाहिए, ये तो बीच पर रहना चाहिए। तो इसका अगर ये आर था तो ये कितना हुआ आर कॉस थीटा, और ये कितना हुआ आर साइन थीटा। क्लियर, यदि हम कोई दूसरी लाइन ले लें, तो देखिए यहां से एंगल बन रहा है, इस पे कितना एंगल है, एंगल है वही थीटा, ये भी है आर। तो इसको देखो, एक तो ये लाइन और एक ये लाइन, ये इन दोनों के बीच में होगा। क्लियर, ये इन दोनों के बीच में होगा। तो इसके लिए भी ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। आर साइन थीटा से आर साइन थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। वर्टिकल तो देखिए डायरेक्शन आप कुछ नहीं हो, जैसे कट रहे हैं हॉरिजॉन्टल जुड़ जाएंगे। अब आपके अंदर चीज़ें आती हैं कि मैम व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट एंड व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बताइए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैसे करते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं वाई डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं एक्स डायरेक्शन के अंदर। अगर हिंदी में जानना चाहते हो तो ये होता है उर्दू घटक, और ये होता है क्षैतिज घटक। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि कहाँ से हमें उर्दू लेना है, कहाँ से हमें क्षैतिज लेना है, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में एंगल का कितना महत्व है। क्लियर हो गया की बात। अब आपको एक छोटा सा लास्ट एग्जांपल बता रहे हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए जो 11th 12th क्लास के बच्चे हैं वो सपोज कर सकते हैं कि ये कोई डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज है, सॉरी यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, डाइपोल को छोड़ो अभी। ठीक है, इसके मिड से, इसके मिड से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट रखा हुआ है पी। अब देखते हैं इसके कंपोनेंट हम कैसे बनाते हैं। तो हम अलग से कोई ले लेते हैं, कोई एक कलर देखिए कंपोनेंट बनाने के लिए, ये इस पर इफेक्ट डालता है इधर। अब क्या प्लस होता है, कौन देता है, कौन लेता है, वो हम बाद में बात करेंगे, वो हमारा टॉपिक अभी नहीं है। क्योंकि जनरली माना जाता है प्लस साइन देता है चीज़ों को और माइनस साइन लेता है। तो अभी तो हम सिर्फ कंपोनेंट बनाना सीख रहे हैं, तो इसलिए हमने प्लस साइन से इसको सिखाया है। अगली जो आपकी वीडियो होने वाली है बहुत अच्छी होने वाली है, सारी वीडियो अच्छी होने वाली है, आपको हर चीज़ का बेसिक यहाँ पर मिलेगा, बस वीडियोज को कंटिन्यूस देखते जाइए। ठीक है, ये कॉम्पोनेंट इसका हमने ये फ्रैक्शन कर दिया। अब बताइए इसका क्या हुआ, यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो यहाँ से कितना बन रहा है थीटा, यहाँ से कितना एंगल बन रहा है थीटा। तो इसके कंपोनेंट कैसे बनेंगे, पहला और ये रहा दूसरा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रही हूँ ई,
तो ये कौन सा हो जाएगा, ई कॉस थीटा, क्योंकि थीटा इस वाले लाइन पे टच है, इस वाले लाइन पे थीटा टच नहीं है, तो ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, अब हम दूसरी लाइन की बात कर लेते हैं। देखिए ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से बन रहा है एंगल थीटा, इसके कंपोनेंट क्या होंगे, एक तो ये होगा और एक ये वाला होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा ई साइन थीटा। अब यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कट ऑफ बाय ईच अदर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कट ऑफ बाय ईच अदर, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा डायरेक्शन अपोजिट है मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू वर्टिकल कॉम्पोनेंट। तो ये तो हमने बात करी जब यहां सेम चार्ज प्लस प्लस, अगर माइनस माइनस हो तब भी ऐसा ही होगा, बस ऊपर की जगह नीचे हो जाएगा, बाकी हॉरिजॉन्टल ही कट होंगे। अब बात करते हैं जब आपके पास दोनों चार्जेस अपोजिट हो, यहां माइनस टू चार्ज, यहां प्लस टू चार्ज, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, ये कोई आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट हमने ले लिया है, तो अब देखिए क्या करें, ए की वजह से ध्यान रखने वाली बात है कि ये एरो यहां ना लगती है, माइनस की वजह से एरो लगता है अंदर, माइनस की वजह से एरो कहां लगता है अंदर, अब ये बात की बात है इसलिए बात बताएंगे, एरो अंदर है तो एंगल बन रहा है यहां से, एरो अंदर है इसलिए एंगल बन रहा है यहां से, कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, तो ये होगा ये बीच में आना चाहिए, ये बी वाला होगा, मतलब जब ये ई था तो ये हुआ ई कॉस थीटा और ये हुआ आपका ई साइन थीटा, क्लियर। लेकिन प्लस की वजह से जो कंपोनेंट बनता है वो ऐसा ही बनता है, देने वाली डायरेक्शन में प्लस की वजह से तो बाहर ही रहती है डायरेक्शन, माइनस की वजह से अंदर रहती है, इसने भी एंगल बनाया यहाँ से थीटा। ठीक है, इसके फ्रैक्शन क्या होंगे, एक तो ये होगा और एक ये होगा, तो यहाँ बनेगा ई कॉस थीटा और ये बना ई साइन थीटा। अब यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ हम देख रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट, आर कट ऑफ बाय ईच अदर, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड will be due to horizontal component। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कंपोनेंट बनाना आप लोगों को आ चुका है। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, वीडियोस को शेयर करते रहो और वीडियोस कम से कम खुद जरूर देखें। क्लियर बच्चों, और भी आगे टॉपिक आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।